मैं झारखंड सिमडेगा जिला से, मैं अभी बानो प्रखंड के पाड़ो गांव में खड़ा हूं। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये एक नदी है, इस नदी का नाम है कोयल नदी। इस नदी में पिछले 10-15 साल से इस पर पुल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। पहला प्रयास जो है 1997 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो मेन ठेकेदार जो था HSCL था, उसका पेटीदार था एक प्राइवेट कंपनी है, वसुंधरा निर्माल बोल के अभी भी रांची में है, उसी को काम मिला हुआ था पेटी का। फिर काम तो शुरू हो गया, लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा था, क्योंकि ये तो पेटीदार था, अपना सिर्फ बिल बनवाता था, भी सिर्फ बिले का उसको चिंता रहता था। 3 साल का एग्रीमेंट था, 3 साल में काम पूरा नहीं होने के बाद 1 साल का एक्सटेंशन, फिर समय का विस्तार मिला था, लेकिन उस 1 साल में भी जो है सो काम नहीं हो पाया। दूसरा प्रयास में फिर उसी फाउंडेशन में फिर बनाने का शायद ठीका किसी कंपनी को ही मिला था, और कुछ काम भी हुआ था उसी दरमियान जो है, यहाँ का कहते हैं महात्वादी, हाँ तो वही लोग के चपेट में लिया, ठेकेदार का ही स्टाफ था जिसका हत्या कर दिया गया, वो लोग आकर कर दिए साइट पर ही। तो उस समय फिर काम बंद हुआ, तो अभी तक बंद का बंद ही है। अभी जो रास्ता जा रही है, चाहे गाड़ी उड़ी चल रही है, वैसे अगर रांची जाया जाए तो यहाँ से 180 किलोमीटर करीब करीब रांची का दूरी पड़ता है रोड से। तो कहाँ 180 और कहाँ मात्र 100। तो सुविधा तो हर आदमी को होगा। दो हजार चौदह पहुंच गया है। अभी इस पुल में, इस नदी में पुल का काम फिर से चालू होने वाला है। तो अभी नए जगह में सर्वे करके नया पुल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को इसमें आपत्ति है, क्योंकि अभी जो नया सर्वे हुआ है उसमें उन लोगों का चार पांच ऐसे परिवार हैं जो कि उनका घर और उनका खेती बाड़ी वाला जो जमीन है बर्बाद हो जाएगा। पहले से जो अधूरा जो पुल अभी छूट गया है, अगर वही पुल अगर निर्माण होकर अगर वही पूरी पूरा हो जाए तो हम लोग का, जिससे कि हम लोग का जमीन जो है इससे हम लोग का कुछ नुकसान कम होगा। तो हम लोग का ये जो जमीन है इसका हम लोग पहले भी कुछ इनका कुछ मुआवजा देने के लिए पुल वाले लोग इसका रिपोर्ट भी लेके गए थे, और इनका जो मुआवजा उनको देने का था कुछ वो अभी तक तो नहीं दिए। देखा जाए तो हम लोग का जीवन का आधार ये हम लोग का जमीन ही है। अगर एक किसान से अगर उसका जमीन छीन लिया जाए तो ये बिल्कुल अपंग सा हो जाता है। नए सर्वे स्थल से इन लोगों को अपना घर, अपना जमीन खोने का डर है। मैं आप दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इन लोगों की मदद करें। हमारे DC को फोन करके दबाव बनाएं, जिससे कि इन लोगों की समस्या दूर हो सके। हमारे DC का नाम है दीप प्रवाह लकड़ा और इनका फोन नंबर है 06-65-22-57-01। मैं वारले सुरीन, झारखंड सिमडेगा से, इंडिया अनहट के लिए।